जत्तो निर्माणसा पत्ति। क्या बात है, जैसे स्कूलों में एग्जाम होती है ना, अगले दिन सब पिक्चर लेके जाते हैं। अगले दिन सब छुट्टी के मूड में आ जाते हैं एकदम। देखो यहाँ पर अभी तक कौन सा अधिकार पूरा हुआ अपना? सुखाधिकार पूरा हुआ है ना। इसको अमृत चंद्राचार्य देव ने, यदि आप देखो अमृत चंद्राचार्य देव ने इस अधिकार को जस्ट पूरा करते समय एक अंतिम में वाक्य लिखा, इति आनंद प्रपंच। इस प्रकार ये आनंद का प्रपंच हुआ। प्रपंच माने अपन में, अपन लोग प्रपंच का शब्द क्या करते हैं, प्रपंच में मत पढ़ो, बहुत प्रपंच हो गया। प्रपंच अपन पढ़ते हैं झगड़ा। यहाँ उन्होंने प्रपंच का अर्थ किया है विस्तार। प्रपंच माने विस्तार। तो आनंद का विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ अभी तक? आनंद माने आनंद की हमने विस्तार से चर्चा अब तक की, माने आनंद अधिकार हमारा हुआ। बहुत विस्तार से हमने आनंद अधिकार को किया। क्या वो आनंद अधिकार बोलो चाहे कि उसको सुखाधिकार बोलो, एक ही बात है, लेकिन फिर भी नाम आनंद में ज्यादा दम है। क्या उन्होंने सुखाधिकार पूर्ण हुआ ये नहीं कहा? इति आनंद प्रपंच, देखो मिला आखिरी में पीछे संस्कृत में, इति आनंद प्रपंच। इस प्रकार ये आनंद का प्रपंच हुआ, माने आनंद का प्रपंच माने आनंद का विस्तार हुआ। माने अब तक हमने आनंद की बात करी, अब हम क्या करते हैं देखो कि ये आनंद कैसे मिलता है, ये आनंद कैसे मिलता है। अब आनंद में इंद्रिय सुख की बात करो अपन, कैसे मिलता है? तो उसकी चर्चा यहां करेंगे। ये जिस आनंद को अभी हमने दुख रूप बताया, जब वो आनंद ही दुख रूप है तो वो जिसके कारण से मिलता है वो सुख का कारण हुआ कि दुख का कारण? क्यों आपने वो बोला नौकरी बहुत अच्छी मिली है, और यदि वो नौकरी दुख रूप है तो जिसने दिलाई है वो सुख का कारण है कि दुख का? तो ये सिद्ध किया कि इंद्रिय सुख सुखी नहीं है, दुख है। जब इंद्रिय सुख सुखी नहीं दुख है तो उस इंद्रिय सुख का जो कारण है शुभोपयोग परिणाम, उसको सुख का कारण कैसे कहा जा सकता? क्या जो शुभ परिणाम इंद्रिय सुख का साधन है वो शुभ परिणाम सुख का कारण तो नहीं कहा जा सकता? क्या इंद्रिय सुख का कारण नहीं है? हाँ, इंद्रिय सुख जब सुख नहीं है तो उसका कारणभूत जो शुभ परिणाम है वो सुख का कारण कैसे कहा जा सकता है? जो देखना है आराम से, जो शुभ परिणाम मुक्ति के मुक्ति मार्ग में सहचारी हो, मुक्ति मार्ग में निमित्तभूत हो, तो मुक्ति तो सुख का कारण होने से और मुक्ति के मार्ग में होने से कदाचित हम उसको तारीफ करें, लेकिन जो शुभ परिणाम केवल इंद्रिय सुख के लिए किया जाता है या जो इंद्रिय सुख का ही कारण है वो शुभ परिणाम की यहाँ धज्जियाँ उड़ाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्ट शुभ को बुरा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पहले शुभ के फल में मिलने वाले फल को बुरा कहके उसको बुरा कह रहे हैं कि जब शुभ परिणाम का फल बुरा है तो वो खुद अपने आप में इतना अच्छा कैसे कर सकता है? भाई जब आपको जिसके फल में जो चीज़ मिलने वाली है वो बहुत सुखरूप नहीं है तो वो उसका जो कारण है वो कैसे मतलब आनंद का कारण हो सकता है, है ना? लोग क्या मानते हैं एक्चुअल में कि शुभ परिणाम को आनंद का कारण मानते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो शुभ परिणाम केवल इंद्रिय सुख के लिए किया जाता है वो शुभ परिणाम आनंद का कारण भी नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख आनंद रूप नहीं है तो उसका कारण गुण शुभ परिणाम भी आनंद का कारण कैसे? यहाँ मैंने
शुभोपयोग की शुभोपयोग को हे बताएंगे, लेकिन उस शुभोपयोग के को हे बताने की शैली क्या है कि चूंकि शुभोपयोग के फल में भी जो मिलता है वो दुखी मिलता है, अशुभोपयोग के जो फल में मिलता है वो भी दुखी है, और शुभोपयोग के फल में जो मिल रहा है वो भी दुखी है। जब दोनों के फल में दुखी है तो फिर दोनों ही समान हुए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहे शुभोपयोग हो चाहे अशुभोपयोग हो, वो दोनों ही दुख के कारण होने से दोनों ही है और दोनों ही अशुद्ध उपयोग हो क्या। तो फिर अब क्या करें, इन दोनों को छोड़कर शुद्ध उपयोग की साधना करो, ये भी दुख रूप है ये भी दुख रूप है, अब बचा एक ही चीज शुद्ध उपयोग, और शुद्ध उपयोग की साधना करने के लिए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध उपयोग की साधना करो। शुभ उपयोग से भी जो मिलेगा इंद्रिय सुख वो कोई सुख नहीं है, वो तो दुख रूप है आकुलता रूप है। लेकिन अब वो इंद्रिय सुख भी कैसे शुभ उपयोग से मिलते हैं जरा वो ही पता चले। क्या शुभ उपयोग अधिकार इतना जोरदार है कि भाई आपको क्या आप क्या समझ रहे हो शुभ किन शुभ भाव से आपको ये इंद्रिय भोग मिलेंगे ये भी तो जरा विचार करो। पहली बात तो इंद्रिय भोग सुख रूप नहीं, पीछे बहुत अच्छे समझाया है, वो तो पीड़ा का प्रतिकार। लेकिन वो भी जिसको चाहिए हो जिसकी उनकी तरफ ललचाई नजरे हों और जिसके अभी उसी को प्राप्त करने की आकांक्षा हो, तो उसको कहते हैं कि तेरे परिणाम जरा देख, जिन परिणामों से मिलता है वो कौन से परिणाम है, उसकी जाति कैसा है, उसकी जाति कैसी है, वो किस प्रकार के परिणाम होते हैं, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी समझाते हैं कि वो शुभ परिणाम के साथ कैसा कि जिसके फल में ये इंद्रिय सुख वो किस जाति का उसमें क्या साथ धर्म करो तो शुभ हो जाएगा, शुभ परिणाम फल भोग मिलेंगे। धर्म किसका नाम है, शुभ परिणाम किसका नाम है, ये स्पष्ट करते क्योंकि हम तो सब में शुभ परिणाम मानते हैं, हम अपने परिणामों में शुभ भाव हुए कि नहीं हुए ये क्यों देखते, हम तो बस कोई एक्टिविटी होती है तो हमको लगता है शुभ परिणाम हो ही गए हमारे क्यों, ये स्पष्ट करते हैं शुभ परिणाम क्या। अच्छा शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ, देखो क्या है इसकी पहली लाइन हेडिंग ट्रेलर जैसे आता है ना मूवी का स्टार्ट होती है पिक्चर। अच्छा माने अब शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ और शुभ परिणाम का अधिकार शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ होता है, क्या चालू हो रहा है शुभ परिणाम अधिकार। इस अधिकार का नाम क्या है, शुभ परिणाम अधिकार। क्या होता है कई बार पूरी कहानी रामायण हो जाती है पता नहीं चलता क्या हुआ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। अब शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ होता है। अथ इंद्रिय सुख स्वरूप विचारम उपक्रममाण तत्साधन स्वरूपम उपन्यस्ति। देखो हिंदी पढ़ता हूँ सीधे। अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार को लेकर, पहले इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार मतलब उसको ध्यान में रखकर इंद्रिय सुख कैसा है ये सब बातें विचार में लेकर मतलब पीछे की चीज लेकर, अब उसके जो साधन है किसके इंद्रिय सुख के उस साधन का स्वरूप कहते हैं। अब वो इंद्रिय सुख मिलता किससे ये हम विचार करते हैं, इंद्रिय सुख का तो वर्णन किया लेकिन वो इंद्रिय सुख किसके फल में मिलता है, वो कैसे परिणाम होते हैं जिसके परिणाम फलस्वरूप ये इंद्रिय सुख मिलता है, अब जरा उसका विचार करते हैं। क्या आप समझ आए ना किसका विचार कर रहे हैं, इंद्रिय सुख के साधन का, इंद्रिय सुख के साधन का स्वरूप विचार करते हैं कि उसका इंद्रिय सुख का साधन कौन है, शुभोपयोग परिणाम। तो वो शुभोपयोग का स्वरूप कैसा होता है, किसे शुभोपयोग कहा जाए, उसका विचार करते हैं। देख पढ़ता हूँ मैं, देवद जदि गुरु पूजासु चेव दानम मिवासु सीलेसु उवासादि सुरत्तो सुहोगप्पगो अप्पा। क्या है देख, देव गुरु यति अर्चना आत्मा। क्या कहते
अभी एक एक की परिभाषा ही बताएंगे क्या है। देवद, देवद सबसे पहला शब्द क्या है, देवद, देवद माने देव, जदि, जदि माने यति, गुरु, देव, यति और गुरु, किसे कहते हैं देव, देवद माने देवता कराना अर्थ, देवता, देवता यति गुरु पूजासु, देवता की, यति की और गुरु की पूजा में। अब दूसरी पंक्ति में एक शब्द उठाओ, रत्तो, रत्तो माने रथ है, लीन है, आसक्त है, डूबा हुआ है, शक्कर में, चाशनी में जैसे चीटी डूबी हुई है, मजा आ रहा है, चीटी से चाशनी कैसे चिपकती, छोड़ती नहीं, अरे चीटी से चाशनी छूटता है क्या, चीटी से चाशनी नहीं छूटती, ऐसे रक्त है, लीन है, कायम है, देव, यति और गुरु की पूजा में लीन है, चाशनी जैसे शुभ वियोग है यदि लीन है तो, और बार बार दूसरी चीजें याद आए तो अभी शुभ वियोग भी नहीं है क्या। प्रीति स्वरूप धर्मानुराग, आगे शब्द डालेंगे, प्रीति है जिसकी उसमें, कायम है प्रीति, कायम है प्रीति है देव, यति और गुरु, क्या प्रीति होती ना, जैसे जैसे रावण की प्रीति थी, पूजा में इतनी प्रीति, पूजा भंग नहीं होनी चाहिए, वीणा का तार टूट गया, हाथ में से नस निकाली, जोड़, उसको कहते प्रीति है, किसी की प्रीति ऐसी, इसलिए वो नारायण बना है, लोग कहते अपन राम रावण क्यों नहीं बने, तुम रावण क्या बनो, तुम्हें काबिलियत ही नहीं रावण बनने की, रावण बनने की काबिलियत है किसमें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रावण का मतलब कोई सीता का हरण करने के लिए तो ही नहीं है, और बहुत सही चीज़ अच्छी थी उसकी, सब मेरे को देख रहे हैं जैसे मैं सबको पापी बना रहा हूँ भाई, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो जो उसने अच्छे काम किए, पूजा आदि जो उसने की, उस अपेक्षा से तो अच्छा था ना, उसकी वो तारीफ कर रहा हूँ मैं उस चीज़ की, बाकी कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ऐसी पूजा थी उसकी, है किसी की ऐसी पूजा बताओ, धनंजय कवि की पूजा थी, पूजा में चित्त रम गया, ऐसी प्रीति है कि उससे हटता ही नहीं, इसका नाम है शुभोपयोग, क्या धर्म के हर काम में प्रीति चाहिए, प्रीति, जैसी प्रीति इसको विषयों की है ऐसी धर्म की हो जाए तो मुक्त हो जाए जी, क्या जैसे अपन शादी के समय सात फेरे देते ना, ऐसे एक बार भी तीन फेरी दे दो ना आप तो मोक्ष जाया क्या उसे प्रीति होती है, उसमें होती ही नहीं होती है, जो प्रीति उसे गिनता है एक दो एक और बच्चे माला है तीन, सब काम इसके पूजा है, बहुत सारे बच्चे कितने हर हो गए, सौ कितने और होंगे आज, ढाई सौ, अच्छा 150 बच्चे अभी, कितने पन्ने कितने लिखे, सबसे पहले पन्ने गिनता है, एक डेढ़ घंटे में तो हो जाएंगे, क्यों तो प्रीति है ये उसको, प्रीति से नहीं है ये काम, प्रीति का मतलब होता है कि कब पूरा हो जाए पता ही नहीं चले, जिसमें प्रीति नहीं हो वो क्या काम का, इसलिए थोड़ा अपने मतलब देखो उपयोग की जिसमें उपयोग की एक उपयोग जिसमें रम जाए, ऐसा रम जाए कि निकलने को मन नहीं करे तो पुण्य तो यूं ही बन जाएगा तुम्हारे भाई साहब, उपयोग रम नहीं पुण्य का कारण है, उपयोग जब तक रमा नहीं है तब तक पुण्य नहीं बनता है, ये नियम है, पुण्य बनने के लिए उपयोग रमना चाहिए, मन लगना चाहिए, मन नहीं लगे किसी भी कारण से, जिस भी कारण से उपयोग नहीं लगे तो अभी पुण्य बन नहीं होगा क्या, इसलिए उपयोग रमना चाहिए ना, उपयोग रमने के लिए समझ में भी आना चाहिए, उसमें उपयोग भी उसका लगना चाहिए, उसको आनंद भी आना चाहिए,
या चित्त एकाग्र हो, उसको लगे मेरा हित हो रहा है, बहुत इसमें सब चीज़ें जरूरी। आदमी को लगे मेरा हित हो रहा है, बस मैं यहाँ जो बैठा हूँ ये मेरा हित है बस, बाकी तो फिर मैं इसके बाद में जैसे ही समय हो जाएगा अहित अहित चालू हो जाएगा। ऐसा उपयोग करके बैठेगा तो वो शुभ उपयोग तो हो ही जाएगा, उसे मेरा भला होगा। यहाँ टाइम पूरा हो जाएगा, जिसको घर जाने में कष्ट हो तो शुभ उपयोगी है, और यहाँ टाइम पूरा होए और पूरा होए नहीं और उसके पहले ही घर जाने की मन में ललक आ जाए तो अशुभ उपयोगी है। यहाँ बैठने मात्र से नहीं ललक काई की, तीन चीजें देव यति और गुरु है ना, देवद देखो तीनों की परिभाषा बताता हूँ। ये इसमें देखो आप भावार्थ में देखें, भावार्थ मिला इसी गाथा का, सर्व दोष रहित परमात्मा व देव है, मिल गया कौन है, सर्व दोष रहित क्या, सर्व दोष रहित परमात्मा व देव है। कहाँ लिखा है ये संस्कृत में, नीचे से तीसरी चौथी पांच छठी पंक्ति देखो, नीचे से संस्कृत में छठी मिली, संस्कृत में नीचे से छठी पेज नंबर 125 पे, 125 पेज पे क्या मिला, 125 देख रहे हैं, 124 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 125 नीचे से छठी संस्कृत, निर्दोष देवता, हाँ देवता कौन होता है, जो निर्दोष हो, 18 दोष इसमें नहीं हो देवता है, देवगति के देव देवता नहीं है, जिसमें दोष नहीं है 18, निर्दोष परमात्मा कौन है, देव है, मतलब मोह राग द्वेष जन्म जरा मरण क्षुधा तृषा रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता पसीना राग द्वेष ये नहीं है, वो कौन है, देव है। और जति, जति माने यत्न करे, वो यति काय में यत्न करे, इंद्रिय जयन शुद्धात्म स्वरूप प्रयत्न परो यति, इंद्रिय जय के द्वारा जो शुद्धात्म स्वरूप में प्रयत्न करे, प्रयत्न परायण हो यति है, क्या वजब परिहाशन है, यति कौन है जो यत्न करे, काय में यत्न करे, काय का यत्न करे, शुद्धात्म स्वरूप में यत्न करे, क्या शुद्धात्म स्वरूप में जो प्रयत्न करे, यत्न करे, प्रयत्न, यत्न से यति बनता है, काय से बनता है, यत्न से, काय में यत्न करे, प्रयत्न काय का करे, शुद्धात्मा में लीन होने का प्रयत्न करे, शुद्धात्म स्वरूप में जो प्रयत्न प्रायण है, इंद्रियों की जय करके शुद्धात्म स्वरूप में जो प्रयत्न करता है, मतलब लीन होने का अभ्यास करता है, वो प्रयत्न प्रायण कौन है, यति है, यति। गुरु कौन है, देखो इसकी परिभाषा भी दी है, भेद स्वयं भेदा भेद रत्न त्रय आराधका, स्वयं भेदा भेद रत्न त्रय का आराधक है, और तद अर्थिनाम भव्यानाम, उस भेदा भेद रत्न त्रय के जो अर्थी है ऐसे भव्यों को, जिन दीक्षा दायको, जिन दीक्षा दायक कौन है, गुरु है। कितना सरल है एकदम, कितनी सरल संस्कृत है, वेदा वेद रत्न त्रय आराधक, जो वेदा वेद रत्न त्रय का आराधक है, और तद अर्थिनो, और उनका तद अर्थिनाम, उनके जो अर्थी है ऐसे भव्यानाम, ऐसे भव्यों को, जिन दीक्षा दायक, जो दिन दीक्षा देने वाले हैं, वे कौन है, गुरु है। खुद कैसे हैं, वेदा वेद रत्न त्रय के आराधक है, और जो वेदा वेद रत्न त्रय के अर्थी है, काय के अर्थी है, दीक्षा के अर्थी नहीं है, वेदा वेद रत्न त्रय के अर्थी भव्य जीवों को जो जिन दीक्षा देते हैं, जिन दीक्षा वेदा वेद रत्न त्रय के लिए दी जाती है, भेद रत्न त्रय भेद है, और अभेद आत्मानुभूति वो भेद है, सात तत्व के भेद है, और उसमें सात तत्व में एक चैतन्य ज्योति को देखना, चैतन्य ज्योति आत्म आराधना, माने चेतन आत्म, एक चैतन्य ज्योति को ही आराधना, एक आत्म स्वरूप देखना अपना प्रार्थना समय सार में, नौ तत्वों में एक चैतन्य ज्योति का अनुभव करना, तो अभेद रूप है, और नौ तत्व रूप देखना आत्मा को भेद रूप, सात तत्व भेद रूप है, और आत्मा आराधना अभेद रूप है, आत्मा में सात तत्वों के भेद भेद है ना ये सब, और एक अभेद आत्मा की उपासना करना
या भेद रत्नत्र है, भेदाभेद रत्नत्र भेद व्यवहार है, भेद अभेद में पूरे समय रह नहीं सकता तो भेद में आता है। आत्मा की आराधना नहीं होती पूरे समय, हो जाए यदि अंतर में लोग तो केवल ज्ञान हो जाए, तो फिर भेद रत्नत्र जरूरी होता है। जो अभेद में नहीं रहते तो भेद में आते, फिर आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, उनके विषय मैंने उनके गुण भेदों का, पर्याय भेदों का, आत्मा का ही चिंतन करते हैं, तो भेद रूप होता है, लेकिन वो भी कल्याणकारी है क्योंकि वो अभेद में ले जाने के लिए सहायक होता है, वो साधक है, शुभोपयोग रूप भेद रत्नत्र। लेकिन यदि वो साथ में तीन कषाय के अभाव से हो तो वो आत्म साधना का सहायक होकर मोक्ष का कारण बनता है। भेद मतलब गुण भेद, जो भी विकल्पात्मा के भेद रूप है, और निर्विकल्प अनुभूति अनुभूति है वो अभेद रूप, दोनों ही होते हैं, ये साधक के जीवन में दोनों ही होते हैं, भेद अभेद, भेदाभेद रत्नत्र की आराधना की। और जो काय के अर्थी दीक्षा के नहीं है उनको चाहिए भेदाभेद रत्नत्र, क्योंकि भेदाभेद रत्नत्र का साधन निर्ग्रंथ दीक्षा है, इसलिए दीक्षा लेते, दीक्षा के लिए दीक्षा नहीं लेते, रत्नत्र की आराधना के लिए दीक्षा लेते। क्या उद्देश्य क्या है? रत्नत्र की आराधना करने की दीक्षा लेना। हाँ, हमें रत्नत्र साधना है इसलिए दीक्षा लेते, ये उसका साधन है इसलिए ले रहे हैं, और दीक्षा ही केवल वही नहीं है, केवल दीक्षा ही ले रहे हैं, दीक्षा क्यों ले रहे हैं? दीक्षा के लिए दीक्षा लेते, दीक्षा के लिए दीक्षा होती है क्या? आधो को मालूम नहीं दीक्षा क्यों ले रहे हैं, दीक्षा ही लेना, इससे कल्याण हो जाएगा, इससे मेरा हित हो जाएगा, इससे हित होएगा कि रत्नत्रय से हित, ये लेकर रत्नत्रय की आराधना करना, ये नहीं करना है, ये लेकर रत्नत्रय की आराधना करना, उद्देश्य रत्नत्रय ये उसका साधन है इसलिए उसको ले रहे। मैं हे अभी आएगा इसी में, मैं पंचाचार तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को प्राप्त न करूँ। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, मुनि जीवन क्या है? मुनि जीवन के ये नहीं है, ये जो पंचाचार का पालन करना व्यवहार, वो तो कह रहे हैं तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा का जब तक अनुभव न कर लूँ, प्राप्त कर लूँ, तब तक तुझे अंगीकार करता हूँ। तुझे किसे व्यवहार पंचाचार को कह रहे हैं कि मैं तेरे को अंगीकार नहीं कर रहा हूँ, तेरे प्रसाद से जब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति न कर लूँ इसलिए तुझे अंगीकार किया है मैंने। व्यवहार पंचाचार को ऐसा कह रहे हैं, जो जो व्यवहार पंचाचार जैसे सम्यक दर्शन के आचार आठ अंग रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के आठ अंग, सम्यक चैत के पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, ऐसे तेरह प्रकार का चरित्र है, आठ प्रकार का सम्यक ज्ञान है, आठ प्रकार का सम्यक दर्शन है, निर्दोष व्यवहार रूप, वो उसको कह रहे हैं कि मेरे को तू नहीं चाहिए, तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को जब तक प्राप्त न कर लूँ तो इसलिए तेरे को अंगीकार किया। क्या तेरी तेरे को ही तेरे लिए अंगीकार नहीं किया है, तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए तुझे अंगीकार किया। समझ आ रही कि नहीं बात? तो ये कह रहे हैं क्या है, देखो परिभाषा ही समझ में, तीनों की परिभाषा हुई, देव निर्दोषी परमात्मा, यति इंद्रिय जैन शुद्धात्म प्रयत्न परायण यति, और गुरु भेदाभेद रत्नत्र आराधक तदर्था नाम भव्या नाम दीक्षादायको गुरु। इन परिभाषा हुई, अब इनकी क्या करना है? इनकी पूजा देव गुरु यति की, अथवा इनकी प्रतिमा की पूजा, देव गुरु यति की साक्षात पूजा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और वो साक्षात नहीं हो तो उनकी प्रतिमा की पूजा, देव की गुरु की यति की प्रतिमा की पूजा। नहीं, गुरु देव यति और गुरु लिया है, यति तो जो स्वयं मुनिराज है, और गुरु जो है वो आचार्य परमेष्ठी है। देखो ऐसा है कि ये तो मोक्ष का कारण है, शास्त्र तो साक्षात मैंने ये जो शास्त्र की पूजा भी खैर हो उसमें देव गुरु के अंदर हो ही जाएगी पूजा वगैरह करना, बाकी आगे तो ये कहेंगे कि शास्त्र का अभ्यास जो करता है वो मोक्ष का कारण भूत कार्य करता है। आगे बाला गाथा में उसका वर्णन करेंगे कि उससे ही तत्व को अभ्यास होता है, उससे तत्व का जानना होता है, तत्व की समझ से ही सम्यक दर्शन होता है, उससे मोक्ष होता है। समझ क्या इसे है?
शुभ उपयोग की बात कर रहे हैं, उसको तो उन्होंने आगे रख रखा उसके लिए। वो एक्चुअल में मुकुंदाचार्य देव के हृदय में स्वाध्याय का बहुत महत्व था। उन्होंने सब ग्रंथों में प्रवचन सार, समय सार, अष्टपावर, पंचाशिका सब में खूब खूब लिखा हूँ। वे बिना ज्ञान के क्या करेगा तुम हे बोले, अपने अपने शिष्यों को उन्होंने उद्बोधन दिया और खूब समझाया हमें कि तू तेरे को यदि वस्तु स्वरूप जानना है तो तू भगवान जिनेन्द्र के कहे हुए आगम को पढ़। भगवान जिनेन्द्र ने क्या वस्तु स्वरूप बताया तो जैन शासन समझ, यदि कुछ भी हेतवा तत्वा करेगा नहीं तो आगम का अभ्यास, आगम का अभ्यास कर। एकाग्रता आगम, एकाग्रता पदार्थों का निश्चय से होती है, पदार्थों का निश्चय आगम का अभ्यास से होता है। गाथा है बाला गाथा है चाय के लिए, अभी देखना सिर्फ बाला बाला गाथा है एक साथ चाय के लिए, आगम अभ्यास के लिए और कुछ नहीं कहेंगे। बस स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय एक बार कह दो महाराज, दो बार कह दो, तीन बार, चार बार, पाँच बाला बार बोले सब इससे ही होगा। पढ़ो कभी कुतुबुद्दीनाचार्य देव को अच्छे से। खैर यहाँ भी यहाँ तो शुभ परिणाम की बात करें, देव गुरु यति की पूजा अथवा उनकी प्रतिमा की पूजा और चेव दानमनी अथवा दान, दान भी शुभोपयोग का कारण है। दान जो है ना चार प्रकार का दान, आहार औषध अभय ज्ञान दान। अभय दान दिया आपने, मैंने तीन लोग की संपत्ति दे दी उसको, तो छोटा मोटा दान में समझो आप, आपने किसी एक जीव को प्राणों का दान दिया, उसकी जान नहीं ली या उसको अभय दिया, मानो तीन लोग की संपत्ति आज आपने दी है, बहुत बड़े दानी हो आप। परिणाम बहुत विशुद्ध होते, किसी जीव की हिंसा नहीं होना, दया पालना, छोटे छोटे प्रसंग होते अपने, छोटे छोटे शोक होते हैं, छोटे छोटे शोक के पीछे जो अपन जीव हिंसा हो जाती है ना उसको नहीं करें अपन, अपन जीवों को अपन ने अभय दान दिया, बहुत बड़ा दान दे रहे हैं। अरे वो जो उससे शुभोपयोग हुआ है, जो विशुद्धि हुई और जो शुभ परिणामों से जो शुभ कर्म बने हैं, तो तुम्हारे क्या अभ्युदय प्रदान करेंगे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सी हिंसा छोड़ने में एक व्यक्ति ने मछली को अभय दान देने का नियम बचपन में, तेरी जो मछली आएगी उसको मैं नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा, तेरी मछली आई उसने उसके ऊपर निशान करके छोड़ दिया, आगे चला गया मछली पकड़ और वही मछली आई, फिर आगे चला गया, फिर वही बार बार इतना सा त्याग किया उसने, सात बार मछली छोड़ी और घर पे आ गया। घर पे आया तो उसने पत्नी ने खूब डांटा मारा, डांटा उसको बेचारा भारी सो गया, बाहर साफ काट का मर गया, अगले जन्म में अच्छा बढ़िया पैदा हुआ हो, और सात बार उसकी उस मछली ने जान बची, उसी मछली क्या हर बार उसकी जान के पीछे एक पड़ा था, हर बार कोशिश करता याद है, पीठ पीछे हेल्प करके चली जाती, ये सोया हुआ है इसके पास में कोई खत है, खत में लिखा है कि ये खत लेके जो आया उसको मार डालना, तो खत ही बदल देती है कि ये जो लेके आया उससे अपनी बच्ची की शादी कर देना। ऐसे ऐसे नहीं अपन समझते नहीं, अपने अपन क्या करते हैं क्या है इसके फल में क्या, अपन हिंसा जरा हिंसा को रोक के उसी समय अपने आप को रोक के और उसी समय अपन धर्म ध्यान में लग जाए, उन जीवों की हिंसा नहीं करे क्या, अभय दान दिया थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत कालांतर बहुत विशुद्ध रूप से फलता है। शुभोपयोग का एक बीज भी इतना बड़ा होकर फलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये संसार की सारी सारी चीज़ें आपकी बुद्धि बुद्धि सब एक तरफ रह जाती है, और जो कर्म जो फल देता है ना अनायास, वो बिना सोचे देता है क्या, मैंने जो पुण्य का फल आता है ना वो ऐसा भर के आता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। पाप का भी ऐसे ही, पुण्य में भी ऐसे ही है, मैंने अचिंत सामग्री मिलती है, अचिंत सामग्री की विचार करो तो जो आदमी ने कभी उसने क्या उसके पिताजी ने क्या उसके किसी ने सोची भी नहीं, उसके बाप दादाओं ने भी नहीं सोची क्या। ऐसे धर्म का फल तो ऐसे ही है, जांचे सुर तरु देह सुख चिंतन चिंता रेन,
बिन चिंते धर्म सकल सिद्धे। कितनी बड़ी लाइन लिखी है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि आप कल्प वृक्ष के सामने भी आपको मांगना पड़े, चिंतामणि रत्न के सामने भी आपको चिंतन करना पड़े, काम धनु के पास भी जाना पड़े, लेकिन ये धर्म ऐसा है जो बिना चिंतन किए, बिना मांगे और बिना विचार किए ये सब चीजें, तीन लोक की संपत्ति उसके चरणों में न्योछावर कर दे। इस धर्म का आप क्या फल समझ रहे हो? सारे सारे जितने पूज्य पद है ना, सारे सब इसके निमित्त से मिलते हैं सारा। और ये जो भी अपन बैठे ना, अपन इसका फल है ये शुभ परिणाम का ही। इसी समय हमने शुभ परिणाम किए उसके कारण ये बैठे हैं। कोई देव की, गुरु की, अति की पूजा करी, दान दिया, इसके फल में आज जो खाने को मिल रहा है ये मिल रहा है। दान दिया हमने, रोटी दी किसी को खाने को, इसलिए रोटी मिल रही, बुद्धि से नहीं मिल रही, अपनी अकल से, ब्रह्म में अपनी अकल से रोटी आ रही, अकल से नहीं आ रही, पहले की पूर्ण पुण्य की कमाई से आ रही। दान दिया किसी को, अभय दान दिया इसलिए जिंदा बैठे आराम से, किसी को हमने मारा नहीं, आज हम निर्वीर हैं, किसी को हार दिया तो हार मिल रहा है, कभी किसी को ज्ञान दिया होगा तो ज्ञान। तो नियम है संसार में, जो जिसको मारता है वो उसके द्वारा मारा जाता है, एक बार नहीं हजारों बार, और जो जिसकी रक्षा करता है बहुत भाव में, वो उसके द्वारा उसकी रक्षित होता है। क्या ये कोई मतलब, ये तो जैसा करना वैसा बढ़ना है। उपकार जिसके प्रति उपकार किया जाता है वो भी उपकार नहीं भूलता है, कृतज्ञता होती है ना, एक भाव भाव में नहीं भूलता है, और अपकार किया होता वो भी नहीं भूलता है। इसलिए वो मतलब पाप को ऐसा हल्का फुल्का नहीं, जिसको ऐसे ले लेते हैं लोगों ने आजकल, अब पाप बताएगा, अब क्या है, पाप और पुण्य सब समान ही है, जैसे ये करो चाहे वो करो, ऐसी ऐसी उठपटांग बातें जो कर रहे हैं, धर्म समझी भाई साहब क्या उससे तुम्हें पाप करने में रुचि क्यों हो रही है? चलो मैं तो कहता हूँ इंद्रिय विषय की बात नहीं, लेकिन रुचि उस चीज़ की, मतलब कषाय परिणाम। अब इनमें क्या दान देने का परिणाम, क्या खोटा परिणाम? बहुत तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि के लिए आहार दान देने का परिणाम, विशुद्धि के लिए औषध दान, विशुद्धि ज्ञान दान, विशुद्धि के लिए अपने आत्मा की विशुद्धि होती है। अभय दान देने से अपना चित्त निर्मल होता है। अपन ने कभी हिंसा नहीं की, अपन हिंसा का कोई काम कर ही नहीं रहे हो तो काहे की टेंशन रहेगी? अपन जिंदगी में कोई पाप नहीं कर रहे हो तो अपनी जिंदगी में अनंत निर्भयता होती है कि हमने कोई कभी खोटा काम किया ही नहीं, तो हमारे पाप का उदय आएगा कहाँ से? और जब हम रात दिन पाप ही पाप कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमारे पुण्य का उदय कहाँ से आएगा? काम तो सारे खोटे कर रहा हूँ, जिंदगी में कर क्या रहा हूँ अच्छा, मेरे पास है क्या, एक क्रेडिट तो है नहीं अच्छे काम क्या? मैंने कभी न दीनों को दान दिया, न सत्पात्रों को दान दिया है, न मैंने कोई पात्र की पूजा करी है, न मैंने कोई कषाय मन करी, करा क्या मैंने जीवन में, पाप ही पाप। वही जो करेंगे अपन उसके फल मिलता है, क्या व्यापार व्यवसाय में भी जो सफलता मिलती है उसका मूल कारण कौन, पुण्य का होता है। कितने दिनों तक जी कदा अम्माली करता रहता आदमी, तो कुछ नहीं होता, तो उदय होता पुण्य का, कहाँ से आता पता नहीं चलता। संसार में आपके एक एक काम पुण्य का होता है, श्रद्धा होना चाहिए आपको ऐसा, एक बार आप थोड़ा सा इसका उपयोग करके देख लो भले जिंदगी में, धर्म में लग के देखो क्या सारे काम क्या ये जो मोक्ष पद प्रदान करने वाला है तो इसमें यह सांसारिक दो चार छह काम है उसमें क्या आश्चर्य, और प्रतिकूलताएं हो तो उसमें धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, लोग छोड़ देते हैं, लगता है पहले ये करना जरूरी है, हमको बाल बच्चे की सेवा करनी करनी, बाल बच्चे की सेवा हो या जो भी हो, चाहे जिंदगी में जो भी परिस्थिति हो, अपना अपना मोक्ष आराधना अपना काम चलते रहना चाहिए, अपने को ख्याल रखना चाहिए, मूल पूंजी तो यही है, बाकी तो हम सब अपने मन को समझाने के लिए कर, असली बीज जो है ना यही।
इसलिए दान देने में चित्त, और दान देने में ऐसा है अपने अंतरंग विशुद्धि से हो, इसमें जो भी मतलब जो प्रवृत्ति चलती वैसा नहीं हो, अंदर भाव से देता, भाव से दिया गया एक रुपया भी अनंत रुपये के बराबर, और बाकी वो होड़ फोड़ों में करके देना, उसकी शर्त रखना 25-50 रुपये लेके करोगे और वो करोगे क्या। अपन जो अपन विशुद्ध भाव कहीं इसका उपयोग मेरे मतलब मेरे आज पुण्य का उदय आया है, और यदि कोई पुण्य के उदय से इसका समागम हुआ है तो इसका सदुपयोग हो, तो मेरे धन का सदुपयोग हो जाए, इससे बड़ा भाग्य और मेरा क्या होगा। मैं तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये उपकार अपने ऊपर कर रहा हूँ, मैंने तुमने मेरे धन का उपयोग करके सदुपयोग करके मेरे ऊपर उपकार, और उपकार मेरा मैंने मैंने दान देने वाला है समझे कि ये मेरे ऊपर उपकार हो रहा है, मैंने परोपकार नहीं किया, मेरा खुद का स्वोपकार किया है, मेरी लोक कषाई कम कैसे होती, और यदि धन कोई लेने वाला नहीं होता तो इसका उपयोग सही कैसे होता, पाप में लग जाता, भोगो भोग में लगता क्या। बुजुर्ग आदमी को उसको धन्यवाद देना चाहिए, यदि तुम नहीं होते तो ये बच्चे मेरे फर्नीचर में लगाते, अच्छा तुम आके इसको धर्म में मंदिर में जो भी आयतन बताए जिन्हें के मुझे वहाँ लगा कहाँ लगेगा बताओ, अपना पैसा कहाँ लगने वाला, समझो आज अपन मर जाए उनमें कहाँ लगेगा, तो विषय भोगों में लगेगा, जो पीछे लोग आएंगे जब अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे। इसलिए चार प्रकार के दान करें, जो भी हो मतलब विशुद्ध भावना से दिया गया, चाहे भटका वृक्ष भी हो, ए वो क्षति कहा ना क्षति का तो वट बीजम, मैंने वट का बीज कितना छोटा होता है, जरा सा होता है इतना सा, लेकिन वो यदि बराबर सही भूमि में बोया जाए तो वो बहुत बड़ा वट का रूप धारण कर लेता है। ऐसे दान अल्प भी दिया गया हो, पात्र को दिया गया हो, सही जगह हो, तो वो बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। मैं इनके लिए शर्त यही कि ये सब बिना ख्याति पूजा लाभ आदि के अभिप्राय के हो, अपन ने विशुद्ध भावना से दिया हो। चारों प्रकार के दान आहार औषध अभय ज्ञान दान, इससे अपने परिणाम विशुद्ध चित्त की विशुद्धि के कारण है सब क्या। अब ज्ञान दान तो हमने किसका उपकार किया, ज्ञान दान देके ध्यान दूसरे का नहीं, अपन ने अपने परिणाम विशुद्ध रखे, इससे दूसरे का उपकार नहीं किया है। किसका उपकार किया, स्व का उपकार किया कि ये मैंने अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए एक काम किया, मैंने इसमें उपयोग जो है अपना जो लक्ष्य है वो परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए। देखो हमने चंद्राचार्य देव ने टीका रची ना समय सार की, तो उन्होंने क्या लिखा उसकी टीका रचने के पहले कि मम परम विशुद्धि बहुत शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते समय सार व्याख्यवान होते क्या, मम परम ऐसा लिखा उन्होंने शुरू में क्या, पर परिणति है तो मोह नाम नो अनुभावात विरत मनुभाव व्याप्ति कलमाशिताया हम परम शुद्ध शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भक्त समय सार व्याख्य वानुभूते। ये उनके कलर मतलब वो कह रहे हैं कि मम पर मेरी परिणति कषाय से मलिन हो रही है, पर परिणति है तो मेरी परिणति पर रूप हो रही, वो काय के कारण से हो रही, मोह चाहे तो मोह के निमित्त से, पर परिणति है तो मोह नाम नो अनुभाव विरत मनुभाव व्याप्ति कलमाशिताया, और ये कलुषित चित्त हो रहा है तो उससे क्या मेरे को इस समय सार व्याख्या करने का क्या फल मिले, तो मेरी मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति मतलब शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा की प्राप्ति हो, परिणति विशुद्ध हो, समय सार व्याख्यवानुभूते इस समय सार की व्याख्या से मुझे अपनी अनुभूति की प्राप्ति हो, आत्मा की अनुभूति हो, अपनी शुद्ध चिन्मात्र चैतन्य ज्योति की प्राप्ति हो, ये मैं मांगता हूँ। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए कि लोग जानेंगे कि जमे रात क्या करें, लौकिक लाभ की चाहत को दूर की क्या, हमारी खुद की विशुद्धि हो, मुझे शुद्धात्मानुभूति की प्राप्ति, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र।
इस समय साल की व्याख्या करने से मुझे अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति हो, चैतन्य स्वरूप में लीन हो जाऊँ, मेरी ये जो परिणति में कलुष्टा ये भी चली जाए, धुल जाए और शुद्ध चिन्ह मात्र की प्राप्ति हो जाए, मैं यही इच्छा है। और कोई इसके फल में और कुछ नहीं चाहता। सबने यही लिखा है, उन्होंने कहते क्या अपने आचार्य लोग नाम नहीं लिखते भाई अपने ग्रंथों में, इसमें उसमें क्या उसके फल में चाहेंगे वो, जब तो भगवान जिनेन्द्र वीतरागी, उनका मार्ग वीतरागी, गणधर परमेष्ठी वीतरागी, आचार्य वीतरागी, गुरु वीतरागी, मुनिराज वीतरागी, हमने जिसने भी इतना काम किया आज तक, वो कोई ने इसके प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं चाहा, बल्कि उन्होंने ये समझा कि ये काम करके हमने अपनी आत्मा का उपकार किया है, हमने किसी के ऊपर उपकार नहीं किया है। क्या ये पूरी जिनागम में जो पूरी अब तक परंपरा है ना, इसमें सबने ये मान के किया है, किसी ग्रहणकर्ता ने नहीं कहा हमने उपकार किया, हमने अपने आत्मा का उपकार किया। दान और सुशील, सुशील माने शील, मतलब किसे कहते हैं, शील व्रत, 12 प्रकार के शील व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थदंड व्रत, 7 शील व्रत है ना, 12 नहीं 7 शील व्रत एक नहीं है, हैं हाँ, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, 7 शील व्रत कहे जाते हैं। ये शील व्रत भी शुभ योग के कारण है, तो बहुत अच्छी चीज है। अनर्थ दंड का त्याग, दिग्व्रत, देश व्रत ले लो, देखो कितने भाव अच्छे रहेंगे, निर्मल आकुलता व्याकुलता नहीं रहेगी, शांति रहेगी चित्त। तीन काल सामायिक करें, एक टाइम दिन भर में सामायिक करें, चित्त स्थिर रहेगा, इधर उधर जाता होगा तो स्थिर हो जाए चित्त, बड़ी प्रसन्नता आनंद की अनुभूति हो। सामायिक प्रसोद को अष्टमी चतुर्दशी को एकासन से युवास अतिथ्य हैं, भोगो भोग का परिमाण हर सीमा हर एक चीज, ये मेरे इतने में काम चलता है तो मेरे को कहाँ हो सकता है, और अतिथि सभी भाग कोई अतिथि आ इसका अपने विभाग करके देना, ऐसे दिशाओं की मर्यादा, अनर्थ दंड का त्याग, तो ये सब जो है ना ये शुभों के योग परिणाम है ये सब, और ये चित्त की परम विशुद्धि के कारण है। क्या चित्त जब विशुद्ध हो तो उसमें धर्म प्रवेश करना कठिन नहीं रहता, म्यान जब सिद्धि हो जाए तो फिर ये सब उसमें धर्म असली जल्दी प्रवेश कर जाता है, और म्यान टेढ़ी हो तो सीधा धर्म प्रवेश कैसे करे, टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार घुस सकती क्या, ऐसे टेढ़े हृदय में जिनेन्द्र भगवान का सरल सीधा धर्म प्रवेश नहीं करता, जिनके चित्त टेढ़े होते हैं कुटिल होते हैं, इसके लिए सरलता चाहिए। 7 प्रकार के शील व्रत लिस्ट दे रहे हैं शुभोपयोग की, इनमें रत, इनमें जिसका चित्त डूब गया है इसमें इन करने में, और उपवास आदि, उपवास आदि में रत, तो जो उपवास आदि में रत है जिसका चित्त उपवास आदि में लीन है, उपवास करने मजा आ रहा है, उपवास में रत है, दत्त है चित्त रक्त, घड़ी देख लिया टाइम बस 9 तो 2 बज गए, कल सुबह 6 बजेगी, सबसे पहले मैं पढ़ना करके उकाली पूरी कर सकते उपवास तब लिया कर लिया उपवास तप लिए तप उपवास अधिक तप 12 प्रकार के तप अनशन से लेकर 12 प्रकार के तप दिया ना आचार आदि कथित शील व्रतानी तथो उपवास आदि जिन गुण संपत्ति आदि विधि विशेषार्थ, जिन गुण संपत्ति आदि जो विशेष प्रकार के तप है ना उन सबको लिया है, माने जो जिन गुण संपत्ति विधान व्रत होता है कहते हैं ना सब सीन निष्क्रेडित व्रत पढ़े नहीं पढ़े, इसमें सब में क्या है इनकी विधियां होती है कि एक उपवास किया एक पारना फिर 2 उपवास फिर 1 पारना 3 उपवास 1 पारना इसे बढ़ाते जाता है 6-6 महीने तक, 6 महीने का एक उपवास होता है एक पार्ट, उत्कृष्ट है 6 महीने का उपवास।
अभी के लिए, अभी वाले लोग तो नहीं, अभी वाला तो ऊपर ही हो जाएगा, छः महीने पास करेगा, एक आध महीने में समाधि हो जाएगी उसकी। लेकिन पहले का साधन था तब करते थे, तो शरीर रोगी भी हो जाए तो भी उसको घटाते नहीं थे, मरते दम तक कांस कफ सब शूर रोग आदि से पीड़ित हो, सांस कम नहीं होता। मतलब उपवास की विधियाँ ये क्या है कि जैसे 90 है तो 90 में 60 उपवास, 30 पाड़ने, अभी भी करते हैं कई महिलाएं करती हैं, रस्सी होके छोड़ो, रस्सी भी नहीं करें, उपवास और पाड़ने, इतने उपवास इतने पाड़ने, सबकी विधि है ये। या आपने 10 धर्म की पूजा नहीं करी, इसका मतलब 10 धर्म की पूजा में तप धर्म की पूजा करना, उत्तम तप धर्म की पूजा में अनेक प्रकार के व्रतों का वर्णन है, उन व्रतों में सबका वर्णन है, किसकी क्या क्या विधि है, किसमें कितने एकास में कितने उपास, किसमें कितने एकास में कितने उपास, कितने के बाद एकास में, फिर कितने के बाद एकास में, मैंने सबके अलग अलग है, निष्क्रीडित में अलग है, अर्ध निष्क्रीडित में अलग है, सब में अलग अलग। उत्तम तप धर्म चारित्र शुद्धि अलग है, लब्धि विधान व्रत, बहुत सारे व्रत है ये सब, अनेक तरह के, आजकल तो करते ही नहीं है सब, आजकल तो सब खाऊ पी हो गया सब कर, बहुत स्थिति बिगड़ेगी वास्तव में, लोगों क्या धर्म की मूल चीजें पढ़ते ही नहीं लोग। अरे मत बात करो, मन तो शुभ की होगी बात कर रहा हूँ। लेकिन मतलब क्या है कि ये इससे ज्ञान तो हो ना अपने को कम से कम, अब खैर कर पाए तो कौन कर पाएगा, जो भी उनमें से एक भी शायद मेरे ख्याल से पूछेगी हो सकते इस काल में, तो थोड़े बहुत इस काल में हो सकते हैं, और उनमें करने वाला तो एकाध ही कोई होता होगा, इतना वो थोड़े कठिन टाइप है। मतलब जैसे अब 90 दिन करना है आपको, 90 दिन में 60 उपास 30 पाठ, तो किससे बन रहे हैं? बन रहे हैं हर दो उपास पे पाड़, और फिर इधर इधर बढ़ता हुआ, जैसे एक उपास पाड़ना, दो उपास फिर पाड़ना, तीन उपास पाड़ना, चार उपास पाड़ना, सब बढ़ाते जाओ 6 महीने तक, 6 महीने के उपास फिर घटाते जाओ, एक कुछ तो ऐसे जीवन पर्यंत तक बढ़ाते ही जाना है बस। चित लगे अरे नहीं, ये क्या उनकी सामर्थ होती थी इतनी, भोजन का राग ही इतना घट जाता था, जो जो अपनी आत्मसाधना बढ़ाते जाते थे, राग ही नहीं, गए बस जाने के विकल्प खत्म होते, वो अपनी सामर्थ देखते हैं ना, उसमें सब सामर्थ प्रमाण सब विचार किया जाता है, वो आचार्य की आज्ञा से लिए जाते हैं सारी चीजें। तो ये जो है उपवास आदि में, उपवास आदि सुख, अब इन सब में एक ही चीज दी उन्होंने, शब्द एक ही डाला, रत तो क्या, वो रत तो नहीं होता, सब गया जीरो रत मैंने लीन, उसमें लीन होना चाहिए इन काम में, ये काम इसलिए नहीं कि बस रिकॉर्ड बनाना है मेरे को, अभी कोई भी नहीं कर रहा, जिनको उन संपत्ति में करके बताता हूँ। लोग है ये सब चढ़ जाती है हर चीज में, धर्म में भी चढ़ जाती है लोग क्या, अब इसलिए उन्होंने कहा इसमें चिंतन रत होना चाहिए, मैंने तेरा आत्मा इसमें लीन होना चाहिए, आत्मा लीन होना चाहिए, शरीर लीन, आत्मा इसमें लीन हो जाए, इनमें लीन आत्मा, वो कैसा है, शुभ ओगो अप्पा, वो आत्मा शुभो प्योग आत्मा का आत्मा है बस। आइए देखो गाथा, देवद जदि गुरु पूजासु, इन तीन की पूजा में, चेव दानमी और दान में, वसु शीलेशु अथवा शील व्रतों में, उपवास आदि में, उपवास अधिक में, उपवास अधिक जो तप है उनमें, रत्तो माने लीन आत्मा, शुभो ओगपो, शुभो ओगपो माने शुभो प्योग आत्मा के, माने शुभो प्योग रूप है वो आत्मा, शुभो प्योग है जो आत्मा इनमें लीन है, वो शुभो प्योगी आत्मा है। अब बोलो इसमें कितने शुभो प्योगी मिलेंगे ईमानदार से, हैं लोग कह रहे हैं शुभो प्योग, मैं तो कहता हूँ मेरे को शुभो प्योगी एक कोई ढूंढा दो, तो मैं शुभ उपयोगी को भी मैं तो अपने पास बैठा के कहूंगा कि भाई कुछ तेरे से सीख लेंगे, शुभ उपयोग भी कहाँ रहा है, क्या धर्म के नाम पे कूदा फांदी हो रही है, कुछ नहीं होगा, 10 दिन आएंगे और कुछ फाड़ लेंगे लोग,
देखो पढ़ता हूँ मैं, आया ना समझ में। देव गुरु और यति की पूजा में, दान में एवं सुशीलों में और उपवास आदिकों में, उपवास आदिक में लीन आत्मा शुभोपयोग आत्मा है, वो शुभोपयोग रूप है वो आत्मा। देखो अब क्या कहते हैं, जब ये आत्मा दुख की साधन भूत ऐसी द्वेष तथा इंद्रिय विषय की अनुराग रूप अशुभोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके, अब इसमें दो बातें कही यदि आपने ध्यान दिया तो, क्या कहा, जब ये आत्मा दुख की साधन भूत, दुख की साधन भूत दो चीज है, एक द्वेष रूप और दूसरी राग रूप, में एक शब्द डाला उन्होंने देखो इंद्रिय विषय की अनुराग रूप, क्योंकि यहाँ नीचे तो उनको दूसरा अनुराग बताना है, वो तो शुभोपयोग है, तो फटाक से उन्होंने कहा कि भाई सारा अनुराग अशुभोपयोग नहीं होता है, इंद्रिय विषय का अनुराग तो है अशुभोपयोग और बाकी ये देव गुरु पूजा इनका अनुराग तो शुभोपयोग है। मैंने अनुराग तो दो प्रकार का है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, जैसे द्वेष भी दो प्रकार का है ना, देश में कोई भेद नहीं किया उन्होंने, देश सीधे दुखों की साधन भूत ऐसी द्वेष रूप, फटाक से सीधे डायरेक्ट शब्द डाल दिया, और राग में एकदम नहीं नहीं इंद्रिय विषय की अनुराग रूप, समझ में, अशुभ उपयोग के नाम दिए, दोनों अशुभ उपयोग के कारण है, दुख के कारण है, लेकिन कितना बढ़िया वर्णन, दुख की साधन भूत कौन है ऐसी, एक तो द्वेष रूप और दूसरी इंद्रिय विषयों की अनुराग रूप, और ये दोनों क्या है, अशुभ उपयोग भूमिका है, ये दोनों अशुभ उपयोग है। अब इनका क्या करके, उल्लंघन करके, माने द्वेष तो सारी अशुभ है, एक बात माने द्वेष में शुभ और अशुभ कोई भेद ही नहीं है, द्वेष तो तुम कसाई के भी प्रति करो, चांदाल के प्रति भी करो, वो भी अशुभ उपयोग है, किसी के प्रति करो, अपना कोई बिगाड़ कर अपने द्वेष है ना, अशुभ उपयोग है, अपना बुरा होगा उससे, अपने को अपनी संभाल करनी पड़ेगी, वो कौन संभाल, भाई अपन जो द्वेष कर रहे हैं अशुभ को, द्वेष तो शुभ रूप होता ही नहीं है, क्या शुभ और अशुभ ये जो भेद है राग में है, द्वेष में नहीं है, द्वेष तो एकांत से क्या है, अशुभ है। तो जब ये आत्मा दुख की साधन भूत ऐसे द्वेष रूप और इंद्रिय विषय की साधन भूत, इंद्रिय विषय में अनुराग रूप, इंद्रिय विषय में अनुराग रूप क्या है, ये तो दो प्रकार की क्या हुई, अशुभ उपयोग भूमिका, समझ आया, कौन से दो प्रकार की, एक तो द्वेष रूप और इंद्रिय विषय की अनुराग रूप, ऐसी अशुभोपयोग भूमिका का क्या करके, उल्लंघन करके, उसको क्रॉस करके, मैंने अशुभोपयोग का क्रॉस किया, और क्या करता है, देव गुरु यति की पूजा और दान, शील, शील का अर्थ ब्रह्मचर्य भी लगा सकते हैं, सात शील रूप भी लगा सकते हैं, और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप, उपवास आदि का प्रीति प्रेम हो और प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को स्वीकार करता है, किसको स्वीकार, धर्म में क्या है, अनुराग है, धर्मात्माओं में अनुराग है, धर्म में अनुराग है, तब शुभ उपयोग होगा, क्या समझ में आ रही ना बात, कितने एक एक शब्द कितने अच्छे लिखे उन्होंने, पहले तो उपवास आदि की प्रीति स्वरूप और बाद में क्या कहा, एक और शब्द जोड़ा धर्मानुराग, शुभ उपयोग कोई फ्री में नहीं मिल जाएगा, धर्म से प्रेम ही नहीं है इनको, इनको शुभ उपयोग चाहिए, क्या धर्म से प्रेम नहीं, धर्मात्माओं से प्रेम नहीं, लड़ने को तैयार, धर्म से कोई प्रेम नहीं, 25,000 रुपए दिए, धर्म मंदिर में भी आ जाए करो कभी, वो हमारा काम, कितने चीजों को मिले, धर्म से प्रेम नहीं होगा तो शुभ उपयोग नहीं होगा, पैसे भी जाएंगे शुभ उपयोग नहीं होगा, शुभ उपयोग के लिए धर्मानुराग भूमि का भूमि होनी चाहिए, शुभ क्या समझ में ही ना बात, उपवास आदि में प्रीति स्वरूप और फिर आखिरी में इन सबका समायोजन करके कहा कि धर्मानुराग को अंगीकार करता है, जब वो ऐसा करता है धर्मानुराग परिणाम उसके होते हैं, उसको अंगीकार करता है, तब वह इंद्रिय सुख की साधन भूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है, तब होएगा वो, ये इंद्रिय सुख भी ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे, ये भी है हाँ, अभी शुभ उपयोग ही अपने अंदर में अपन झाँको, अपने को लगे कि अपनी चित्रवृत्ति शुभ उपयोग रूप ही नहीं होती,
व्याख्या होती है, अच्छी भूमिका, परिणाम अच्छे होने। इस काल में दुर्लभ, इस कली काल में हर चीज जो थोड़ा बहुत भी अच्छे होते तो वो संगति के अंदर सब बिगड़ जाते। इस कली काल में अच्छे परिणाम, सज्जन लोग मिलना में दुर्लभ, सब मिलना आसान इस काल में। श्लोक योगी होना मुश्किल, इसलिए यहाँ के मरे हुए सब अधिकार नरक नहीं पहुंच जाते हैं, ये इसमें त्रियंश में और नरक में। और जैसे जैसे गति बढ़ेगी ना, छठा काल आएगा तो 100% नरक और त्रियंश में जाएंगे, एक भी मनुष्य नहीं जाएगा मरे, करते ही नहीं, काम ही नहीं करते ये इनको ये भी नहीं पता चलता, बातें ऐसी ऊंची ऊंची करते ये और काम सारे इनके निकृष्ट होते हैं। पंचम काल का आदमी बहुत कुटिल है, शास्त्रों में लिखा है, सब ये नहीं कहते अपन भी उसमें खुद को ही नहीं आना क्या कर रहे आप। इसलिए ये सब चीजें हो, ये अच्छी चीजें कह रहे हैं तो पंडित जी आचार्य आचार्य परमेश्वर क्या, ये तो शुभोपयोग भूमिका में भी आरूढ़ तब चलाएगा, तब उसको इंद्रिय सुख मिलेगा जब ये सब काम करेगा। क्या, जब ये आत्मा दुख की साधन भूत ऐसी द्वेष रूप और इंद्रिय विषय में अनुराग रूप ऐसी अशुभोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके देव गुरु यति की पूजा और दान में और शील में तथा उपवास आदि में प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब ये अशुभ धर्मानुराग को अंगीकार, तब वह इंद्रिय सुख की साधन भूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है, तब कहलाता है। एक ही सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस बनाए, क्या कहा, जब यह जीव, जब यह दुख के साधन भूत कौन ऐसे द्वेष रूप और इंद्रिय विषय में अनुराग रूप ऐसी अशुभोपयोग भूमिका का उल्लंघन करके देव गुरु यति की पूजा दान में शील में तथा उपवास आदि में प्रीति स्वरूप धर्मानुराग को अंगीकार करता है, तब यह इंद्रिय सुख के साधन भूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है। मैं ना अब इसके अंदर भाव कल करेंगे तो इसका। एक्चुअली ब्रह्मचर्य तो ऐसे शुद्धोपयोग में आता है असली, और व्यवहार ब्रह्मचर्य शुभोपयोग में। आचार नहीं, एक मिनट, एक सेकंड में देख, एक सेकंड बैठ जाओ, एक सेकंड की देर, कहाँ है आचार आदि की, आचार आदि शास्त्र, अरे तो कल लेंगे ना अपन, अभी कहाँ हुआ ये तो, अभी ये वाली तो पूरी बची है अपनी।